हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब प्लेटफॉर्म। सबसे पहले तो आप सभी को प्यार भरा नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो गाइस, आज जो हम करने वाले हैं वो है 19 अक्टूबर के जो करंट अफेयर्स हैं उनको हम कवर करेंगे। और आज के सेशन में हम टॉप 5 करंट अफेयर हैं जिनको कवर करेंगे। और ये जो करंट अफेयर हैं आपकी, ये ऑलमोस्ट सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली नेट जेआरएफ के जो करंट अफेयर होते हैं वो आपके एनवायरनमेंट, हायर एजुकेशन, आईसीटी एंड साइंस एंड टेक से ही पूछे जाते हैं। लेकिन अभी हम जितने भी आपके अदर एग्जाम्स हैं उनको भी कवर करेंगे धीरे धीरे इस करंट अफेयर सेशन में, जिससे कि आपको होलिस्टिक डेवलपमेंट हो सके और आपको सारे एग्जाम्स में इन करंट अफेयर का फायदा हो सके। तो एज यूजल एक बार आप सब लोग मुझे चेक करके बता दीजिए कि आप सबका ऑडियो, वीडियो, पीपीटी सब क्लियर है या नहीं। क्लियर है तो एक बार थम्स अप करो कि सर क्लियर है। उसके बाद में हम स्टार्ट करते हैं सेशन को। चलो जी, तो आज हम करेंगे 11th, आज हमारा है 12th सेशन, नॉट 11th, 12th सेशन है ये। इससे पहले हम 11 सेशन ऑलरेडी कर चुके हैं, तो आज 12th सेशन है जिसको हम कवर करेंगे। स्टार्ट करने से पहले एक बार आप सब लोग इस सेशन को थोड़ा सा शेयर कर दीजिए। एवरीवन प्लीज लाइक एंड शेयर द सेशन, जिससे कि बाकी स्टूडेंट भी हमसे जुड़ पाए। आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन ये है कि यूएन एनवायरनमेंट प्रोग्राम यूएनईपी पब्लिश विच ऑफ द फॉलोइंग साइंटिफिक पब्लिकेशंस, ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक, ग्लोबल केमिकल्स आउटलुक, इमिशंस गैप रिपोर्ट, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। बताने कि जो यूएन यूएनईपी है वो कौन सी रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता है, ये आपको बताना है। और ये शायद हमने पहले थ्योरी क्लासेस में पढ़ा हुआ भी है कि यूएनईपी है वो कौन सी रिपोर्ट है उसको पब्लिश करता है, ये आपको बता। तो बताओ भाई, सब लोग इसका आंसर करो, करेक्ट आंसर क्या होगा इसका। एवरीवन बताइए करेक्ट आंसर क्या है इसका। जो सही आंसर है गाइस वो है आपका 3, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका 3, 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो है 3, यानी कि 1, 2 एंड 3, तीनों की तीनों आपको करेक्ट है। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक भी पब्लिश करता है, ग्लोबल केमिकल आउटलुक रिपोर्ट भी पब्लिश करता है, और इमिशन गैप रिपोर्ट, ये तीनों की तीनों रिपोर्ट है ये यूएनईपी के द्वारा पब्लिश की जाती है, ये आपको पता होना चाहिए। डी इज द करेक्ट आंसर। अब देखो एक दो चीजें हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक तो देखो जो यूएनईपी है वो कब एस्टेब्लिश हुआ था, ये आपको पता होना चाहिए। किस किस को पता है यूएनईपी है वो एस्टेब्लिश कब हुआ। तो हम यूएनईपी की बात करें तो 1972 में आपकी कन्वेंशन हुई थी जिसका नाम है स्टॉकहोम कन्वेंशन, स्टॉकहोम कन्वेंशन, उसके तहत यूएनईपी है उसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 1972। और ये ऐसी कन्वेंशंस थी जहां पे पहली बार पूरा विश्व यानी वर्ल्ड लेवल पे कोई एनवायरनमेंट के लिए एक साथ लोग आए थे। वन ऑफ द फर्स्ट कन्वेंशन फॉर द एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन थी स्टॉकहोम कन्वेंशन, और जिससे निकल के आया था आपका यूएनईपी। तो ये चीज भी आपको पता होगी। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर वाज द वाटर स्पोर्ट्स सेंटर जॉइंटली बिल्ट बाय द स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड एनटीपीसी इनॉग्रेटेड। बताओ इसका सही आंसर क्या होगा। भारतीय खेल प्राधिकरण और एनटीपीसी द्वारा संयुक्त रूप से निर्मित वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का उद्घाटन कहां पे किया गया, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़ या हिमाचल प्रदेश, कहां पे इसका इनॉग्रेशन है जो किया गया, ये आपको बताना। तो जो वाटर स्पोर्ट्स सेंटर का जो उद्घाटन है वो किया गया है, देखो एक तो साई होती है स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया और एनटीपीसी,
एनटीपीसी की फुल फॉर्म बताओ आप सब लोग एक बार मुझे कमेंट करके कि एनटीपीसी की फुल फॉर्म क्या होगी। इनके द्वारा वाटर स्पोर्ट्स सेंटर खोला गया है, वो आपका खोला गया है बेसिकली हिमाचल प्रदेश में। तो आंसर इज डी, हिमाचल प्रदेश में खोला गया है साई के द्वारा, यानी स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया प्लस एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। एनटीपीसी और साई, स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन के द्वारा हिमाचल प्रदेश में ये आपका नेशनल स्पोर्ट्स सेंटर है जो खोला गया है। किस लिए खोला गया है? ये बेसिकली जो भी आपके एथलीट होते हैं जो वाटर स्पोर्ट्स खेलते हैं, है ना, जैसे रोइंग हो गया, कैनोइंग हो गया, कायाकिंग हो गया, ये सारे के सारे क्या है, वाटर स्पोर्ट्स, उनकी ट्रेनिंग के लिए आपका नेशनल वाटर स्पोर्ट ये सेंटर है जो खोला गया है। प्लीज इसको याद रखिएगा। इसके अलावा एक दो चीजें और याद रखनी है कि हिमाचल प्रदेश की जब बात हो रही है और जब वाटर की बात हो रही है, तो यहाँ पे हमें पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश में जियो थर्मल जो एनर्जी है, एनर्जी उसके भी आपको रिजर्वॉयर्स हैं जो यहाँ पे मिलते हैं, जियो थर्मल एनर्जी, ठीक है, मणिकरण, ठीक है, लद्दाख में आपको पोगा वैली में मिलता है, कहाँ पे, लद्दाख। तो आपको जब भी करंट अफेयर पढ़ें तो स्टैटिक से जरूर जोड़ के पढ़ें आप सब, है ना, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ोगे तो स्टैटिक पोर्शन से आपको जरूर जोड़ के इन करंट अफेयर्स को पढ़ना है। नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, व्हेन वाज द वर्ल्ड स्टूडेंट डे सेलिब्रेटेड। देखो डेज एंड इवेंट है जो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए, सारे के सारे डेज एंड इवेंट्स, यहां से क्वेश्चन आ सकते हैं, ये काफी बार पूछे जाते हैं। तो बताओ विश्व छात्र दिवस कब मनाया गया, 11 अक्टूबर, 12 अक्टूबर, 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर, तो बताओ वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे कब सेलिब्रेट किया गया। तो हम बात करें वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे की, कब सेलिब्रेट किया गया था, तो एक बार आप बता दो सब लोग आंसर, तो आंसर होगा आपका डी, है ना। तो हर साल 15 अक्टूबर, ठीक है, 15 अक्टूबर को हम क्या बनाते हैं, वर्ल्ड स्टूडेंट्स डे। और ये क्यों बनाया जाता है, क्योंकि पूर्व छात्र दिवस राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम को समर्पित करने के लिए बनाया। प्लीज इसको जरूर याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है जी। तो क्यों मनाया जाता है, एपीजे अब्दुल कलाम जो हमारे पूर्व राष्ट्रपति थे उनकी याद में हम मनाते हैं 15 अक्टूबर को वर्ल्ड स्टूडेंट्स एवरीवन, ये भी याद रखना। एक चीज और भी याद रख सकते हो आप कि ये जो 15 अक्टूबर है इसको हम नेशनल इंटरनेशनल डे ऑफ रूरल वुमेन्स भी बनाते हैं, एवरीवन इसको याद रखना है। इसको हम 15 अक्टूबर को एक तो वर्ल्ड स्टूडेंट डे मनाते हैं, दूसरा एक इंटरनेशनल डे फॉर रूरल वुमेन, ग्रामीण महिलाओं के दिवस के रूप में भी इसको मनाया जाता है, तो ये चीज भी आपको पता होनी चाहिए। फोर्थ क्वेश्चन, किस राज्य ने भारत के पहले कुडागु सिलेंडर लोरी अभयारण्य की घोषणा की, विच स्टेट हैज अनाउंस इंडिया फर्स्ट कुडागु सिलेंडर लोरी सेंचुरी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु या गुजरात। तो बताइए विच स्टेट हैज अनाउंस्ड इंडिया फर्स्ट कुडागु सिलेंडर लोरी सेंचुरी, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, बताओ सब लोग, एवरीवन आंसर दिस क्वेश्चन। तो वेरी करेक्ट आंसर इस का जो सही आंसर है वो है आपका सी, यानी कि तमिलनाडु, ठीक है, तमिलनाडु में ये है जो अनाउंस किया गया है, तमिलनाडु में ये पहला कड़ागुर सिलेंडर फ्लोरी सेंचुरी है जो स्टेब्लिश, तो सी इज द करेक्ट आंसर, क्या होगा, आंसर होगा आपका सी, क्लियर है इतना। अब आपको ये पता होना चाहिए कि ये सिलेंडर रोरिस होती क्या है, एनीवन,
कोई भी बता सकता है। कैलेंडर लोरीज एक मैमल्स है जो कि अक्सर पेड़ों पे रहती है, और ये बेसिकली इसलिए इसकी खेती की जाती है क्योंकि ये कीटनाशक जो होते, कीट जो होते हैं, नोट, कीटनाशक कीट जो होते हैं जो फसलों को खराब करते हैं, उनको ये खा जाती है। तो हमारी फसलों को बचाने के लिए ये जो सिलेंडर लोरिस है, इसके लिए एक अभयारण्य है वो बनाया गया है, जो कि कहाँ पे है, तमिलनाडु। ये चीज आपको थोड़ा सा याद रखना। हाँ, और तमिलनाडु में बिल्कुल सही बात है, तमिलनाडु किस किस के लिए फेमस है भाई, देखो विंड एनर्जी में टॉप पे है। विंड एनर्जी में क्या आप किस पे है, टॉप पे है। तो ये सारी चीजें आपके दिमाग में आनी चाहिए, जब भी आप करंट अफेयर पढ़ें तब स्टैटिक से लिंक करके पढ़ना ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर कंसिडर्ड डीप टेक या हार्ड टेक फील्ड। डीप टेक और हार्ड टेक फील्ड कौन सी होती है, एडवांस मटेरियल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन, फोटोनिक्स। चूज द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड की मंदिर, ए बी सी या डी, बताएं सही आंसर क्या होगा। डीप टेक या हार्ड टेक फील्ड में इनमें कौन सी चीज शामिल है। डीप टेक या हार्ड टेक फील्ड में इनमें से कौन सी चीज है जो शामिल है, तो बताओ जी आंसर क्या होगा आपका। आंसर है आपका डी, ठीक है, आंसर क्या होगा डी। ये सारी की सारी चीजें हैं ये डीप टेक और हार्ड टेक में ही आती है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एडवांस मटेरियल, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी, क्वांटम कंप्यूटिंग, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फोटोनिक्स, ये सारी की सारी चीजें हैं जो डीप टेक और हार्ड टेक में ही आती है। ऑल ऑफ द अबव इज द करेक्ट आंसर। क्लियर एवरीवन, प्लीज इसको याद रखना है, ये सारी की सारी क्या है, डीप टेक का मतलब होता क्या है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। देखो नेस्कॉम जो है उसने बोला कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी अपने प्रोडक्ट्स में यूज करेंगे या अपने स्टार्टअप में यूज करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, डीप टेक, यानी एडवांस टेक्नोलॉजी। एडवांस टेक्नोलॉजी जो अपने स्टार्टअप में या प्रोडक्ट्स में यूज करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं, डीप टेक। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। तो गाइज ये थे आज के क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको पसंद आए होंगे। अगर पसंद आए हैं तो एक बार आप सब लोग लाइक और शेयर करो सेशन को, और कोई डाउट है, कुछ पूछना है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। और इसके अलावा मैं आपको थोड़ा सा हमारे अपकमिंग बैचेस के बारे में बता देता हूँ। तो जो एटम बैच है वो तो हम आपके लिए लॉन्च कर चुके हैं, ये आपका कंप्लीट बैच कोर्स है जिसमें पेपर वन प्लस पेपर टू दोनों आपको तैयार करवाए जाएंगे, ठीक है। पेपर वन प्लस पेपर टू की जो फीस है वो है 6,999, जो कि बहुत ही नॉमिनल है, और इसकी क्लासेस हम 1 नवंबर से आपके लिए स्टार्ट करेंगे। इसके अलावा ये हमारे फीचर्स हैं इस कोर्स के, जिसमें आपको बहुत ही एक्साइटिंग फीचर्स हैं जो मिलेंगे, जैसे बाइलिंगुअल क्लासेस हैं, हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, है ना, 100+ आवर्स पेपर वन के लिए, 150 आवर्स आपके पेपर टू के लिए है, तो आप इनको ज्वाइन कीजिए। कोई भी डाउट हो, कुछ भी पूछना हो तो ये हमारी सपोर्ट टीम के नंबर है, यहाँ से आप कॉल कर सकते हैं, ठीक है। पेपर वन के लिए भी आप क्लासेस हैं जो हमारी ज्वाइन कर सकते हैं, जो भी स्टूडेंट ज्वाइन करना चाहते हैं। करना कैसे है ये आपकी स्टेप बाय स्टेप दिया है, 11 फट ऐप को डाउनलोड करो। स्टेप वन में प्रिपरेशन पे जाना है, स्टेप टू में आपको पेपर वन या पेपर टू दोनों भी सिलेक्ट, जो भी सिलेक्ट करना है उसको सिलेक्ट कर सकते हैं, और इस थर्ड स्टेप में आप, फोर्थ स्टेप में बाय नाउ पे करेंगे आप अपना कोर्स उसको ज्वाइन कर सकते हैं। 11 फट ऐप अगर आपने डाउनलोड नहीं किया है तो सब लोग 11 फट ऐप को भी डाउनलोड करो, क्योंकि ये है आपके लिए वन स्टॉप शॉप, प्रिपरेशन। चलिए जी, तो शुरू, ठीक है, आई होप आपको हेल्प किया होगा इस सेशन में, बाकी चीजें